कल से बेखबर आज में जीते हैं, कभी तेज हवाएं तो कभी लहरों के सिलसिले हैं, घर रहते हैं चार दिन और समुंदर में इनके आसियाने हैं, नाविक सीमैन बहारी कई नामों से इनके निशाने हैं। हेलो दोस्तों, मैं यश बड़कुमक्कड़ बंटी। आइए दोस्तों करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। मर्चेंट नेवी ये सब आपके कानों पे सुनते ही मस्तिष्क में घूमने लगता है कि मर्चेंट नेवी है क्या। तो आइए दोस्तों जानते हैं मर्चेंट नेवी कैसे कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि प्राइवेट सेक्टर है या सरकारी। तो दोस्तों ये प्राइवेट सेक्टर है और इसमें काम करने वालों को सीमैन बुलाया जाता है। और दोस्तों इसमें तीन मेन साइड होती है जहाँ आप जाकर या आकर जॉब कर सकते हैं। सबसे पहली साइड होती है डेक साइड, इसमें ऑफिसर रैंक होती है, इसमें कैप्टन सबसे बड़ी रैंक होती है। इंजन साइड, इसमें इंजीनियर रैंक होती है, चीफ इंजीनियर सबसे बड़ी रैंक होती है। तीसरी साइड होती है कुक साइड, इसमें भी चीफ रैंक तक होती है, चीफ कुक सबसे बड़ी रैंक होती है। तो दोस्तों ये मैंने बताया आपको सरल तरीके से, आपको समझ आ गया होगा जितना भी मैंने आपको बताया। फिर दूसरा प्रश्न बनता है दोस्तों, हम मर्चेंट नेवी में कैसे हैं। तो इसमें हमें 12th की जरूरत पड़ती है, 12th के बाद हम मर्चेंट नेवी में आ सकते हैं। अगर हमने और कोर्स वगैरह कर रखे हैं तो वो हमको इस जॉब में और बेनिफिट दिलाते हैं। और दोस्तों मर्चेंट नेवी में आने के लिए हमारी एज 16 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपकी जॉब मर्चेंट नेवी में लग जाती है तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि आप संपूर्ण संसार में विदाउट वीजा घूम सकते हैं। और दोस्तों आप जॉब के साथ साथ विदेशों में घूमने की अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। और दोस्तों आपने कभी कल्पना नहीं की होगी इस जॉब में सैलरी इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी कल्पना से परे होती है। जो भी पैसे को लेकर आपकी समस्या चल रही होंगी वो सब सॉल्व हो जाएंगी और आपका सिप जिस देश में भी जाता है वहाँ पर आप बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और आपको इतना इंजॉय आने वाला है आपके दोस्तों के साथ जितना आपने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा। और आपको हर कंट्री में, हर देश में आप जब भी बाहर जाएंगे, नई नई चीज़ें, नए नए आपको व्यू देखने के लिए मिलेंगे जो काफ़ी खूबसूरत होते हैं। और काफ़ी तरह की डिश आप अगर खाने के शौकीन हैं तो काफ़ी तरह की डिश आपको खाने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी बनने वाली है अगर मर्चेंट नेवी की जॉब आप करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको कुछ ऑप्शन बता रहा हूँ। मर्चेंट नेवी में एक महीने की सैलरी कितनी होती है, मर्चेंट नेवी में आपके जहाज पर जाने का कितने महीनों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको इस जॉब में पासपोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और दोस्तों मर्चेंट नेवी का कोर्स करने में कितना खर्चा आपको करना पड़ेगा, ये सब जानकारी लेने के लिए प्लीज़ कमेंट कर बताएं। मैं आपके कमेंट के अनुसार नेक्स्ट ब्लॉग में आपके क्वेश्चनों के आंसर जरूर दूंगा। दोस्तों आप वीडियो पर बने रहें, वीडियो अभी बाकी है और आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस लाइन में आने के बाद आप क्या क्या एंजॉय करने वाले हैं इस लाइन में आने।